नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लाए हैं सैनिक स्कूल 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म की। काफ़ी क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं, पेरेंट्स पूछ रहे हैं सर कब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें भेजने होते हैं, या ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाता है। आइए उन सभी पैरामीटर्स के बारे में एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा सैनिक स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म की 2025। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। और सबसे पहले तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स, इसमें देख लेंगे कि कब एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, कब आपको भर के भेजने होते हैं, कब एडमिट कार्ड्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, कब एग्ज़ाम होता है, उन सभी के बारे में, सभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, क्या एज है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है और क्या वो एज का विंडो है जो आपको देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और फिर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं सैनिक स्कूल के लिए 2025 के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको होती है और क्या फी स्ट्रक्चर है, कितनी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी देनी पड़ती है, उस सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट्स कम टू इम्पॉर्टेंट डेट्स। ओके, तो अगर मैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ, पिछले आंकड़ों की भी बात करूँगा मैं। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म जो बेसिकली आने चाहिए वो अक्टूबर में आने चाहिए। इस बार पूरे चांसेस हैं अक्टूबर में एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, तो अगले महीने आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगे। इसके ऊपर हम डिटेल्ड वीडियो भी बनाएंगे, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, क्योंकि डेट स्पेसिफिक नहीं होती, कभी भी ये लोग अक्टूबर के मंथ में दे देंगे। पिछले बार नवंबर के मंथ में इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ किया था और इसलिए बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट हुई थी, उसके बारे में भी मैं अभी बाद में बात करूँगा। लेकिन फिलहाल इस साल की अगर हम बात करें, 2024 की बात करें और 25 के एग्ज़ाम की बात करें, तो अक्टूबर 2024, ठीक है, पूरे चांसेस हैं कि अक्टूबर 2024 में हमें एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा और इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, अच्छा लास्ट डेट क्या रखेंगे फिर, अगर अक्टूबर में आ जाएगा तो लास्ट डेट एक महीने बाद नवंबर की रखेंगे। नवंबर 2024 इज़ गोइंग टू बी द लास्ट डेट। पिछले बार मैं बता रहा हूँ ना, नवंबर में फॉर्म आया और दिसंबर वॉज द लास्ट डेट। ओके, तो पिछले बार एक एक महीने थोड़ा सा डिले हो गया था, तो जो स्टिपुलेटेड डेट्स हैं, जो करेक्ट डेट्स होनी चाहिए या मंथ्स होने चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एंट्रेंस कब होता है एग्जाम का? एंट्रेंस तो जनवरी में ही होता है, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में होता है। अगर आप पिछले साल की बात करेंगे तो लास्ट वीक ऑफ जनवरी में 28 जनवरी को पेपर हुआ, तो वो ऑलरेडी एक महीना पूरा शिफ्ट हो गया था। ठीक है, कहाँ फर्स्ट वीक और कहाँ लास्ट वीक। ओके, पहले 21 जनवरी को शिफ्ट हुआ पेपर, फिर 21 से फिर और डिले होकर 28 को शिफ्ट हो गया था। ओके, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो जाता है। अभी सब ठीक ठाक है, तो मुझे लगता है कि इस बार फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में होगा, तो अक्टूबर में फॉर्म आ जाएंगे, नवंबर तक आपको जमा करने पड़ेंगे और जनवरी की फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एडमिट कार्ड कब आता है? याद रखना, एग्जाम होने से 2 हफ्ते पहले आपको एडमिट कार्ड्स मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे पिछले साल 28 जनवरी को एग्जाम हुआ था, तो 16 जनवरी से एडमिट कार्ड्स आने शुरू हो गए थे। उसी तरीके से अगर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी हम मान के चले, अगर हम मान के चले कि 1 से 5 के बीच में कभी भी एग्जाम हो सकता है, तो लगभग 16-17 दिसंबर से आपके एडमिट कार्ड्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैंने एक आपको एक रफ आइडिया दे दिया है। अक्टूबर में एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, नवंबर इज गोइंग टू बी योर लास्ट डेट। एडमिट कार्ड्स आप एग्जाम डेट से 2 हफ्ते पहले डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जाम जो होगा सैनिक स्कूल 2025 का, वो होगा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। ठीक है, अभी इन जनरल जनवरी लिखा है और जो भी ओरिजिनल जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारी सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। जिन पेरेंट्स को कंफ्यूजन है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बच्चा 6th में है, मतलब 6th के लिए अप्लाई करेगा और 5th में है, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोलता है मस्ट हैव कंप्लीटेड क्लास 5th ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन, दैट इज 31st ऑफ मार्च 2025। ठीक है, उस वक्त बच्चा 5th पास हो जाना चाहिए। इसका मतलब अभी जो बच्चे 5th में है वो सैनिक स्कूल 6th का पेपर दे सकते हैं, इस बार वाला जो जनवरी में होगा। 10 से 12 उनकी एज होनी चाहिए। 10 से 12 बच्चों को, पेरेंट्स को समझ में नहीं आता क्योंकि 10 से 12 होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन। तो आप ये एज का विंडो देखिए, अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015 के बीच में है, या इन दो डेट्स को भी इंक्लूड कर लीजिए, ये दो डेट्स भी हो सकती हैं या इसके बीच की अगर डेट है, तो आपका बच्चा एलिजिबल है। ओके, और डेफिनेटली क्लास 5th उसकी कंप्लीट हो जानी चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन। सेम 9th की मैं अगर बात करूँ तो 13 से 15 साल बच्चे की एज मांगते हैं और बच्चा 8th पास हो जाना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन। ओके,
जो एज विंडो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ ये देखिए कि बच्चा अगर आपका अभी 8th में है तो 9th वाला पेपर तभी दे पाएगा अगर वो 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012 के बीच में उसकी अगर डेट ऑफ बर्थ लाई करती होगी या इंक्लूडिंग बोथ द डेट्स। ओके, तो यहाँ पर आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको आप एक बार पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लिया। देखिए अप्लाई आपको मालूम है ऑनलाइन हम अप्लाई करते हैं, सो दिस इज द वेबसाइट AISEE.NTA.NIC.IN। NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, तो उन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे वैसे ही अप्लाई ऑनलाइन का बटन आपको दिख जाएगा, आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यू हैव टू फिल योर पर्सनल डिटेल्स, आपको अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है और फिर एट द एंड आपको अपनी एक एप्लीकेशन फी देनी होती है और इस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बहुत इजी है, यूजर फ्रेंडली है, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो जरूर लाऊंगा कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पेमेंट क्या है, कितनी फी आपको भरनी पड़ती है। जनरल ओबीसी की 650 रुपीज़ है और SC ST के लिए 500 रुपये है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनली मैं आपको ये भी बता दूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको सैनिक स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त जरूरत जिसकी पड़ने वाली है। एक तो बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, साथ में डोमिसाइल भी जिसको हम स्थायी निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डिजिटल फॉर्म में और साइन बच्चे के डिजिटल फॉर्म में, क्योंकि आपको सब अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा होगा। साथ ही साथ मैं आपसे एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, जो बच्चे RMC की तैयारी कर रहे हैं इस बार दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए, हम लोग एक रिकॉर्डेड कोर्स बच्चों के लिए लाए हैं। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, जो भी हम लोग यहाँ ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं करंट की उसी को हम रिकॉर्ड करके एक रिकॉर्डेड कोर्स बच्चों के लिए बनाते हैं। तो वो रिकॉर्डेड कोर्स आप सिर्फ 4999 में अवेल कर सकते हो। 2 महीने का समय आपके पास अभी भी बचा है पूरा, और इस 2 महीने में आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। साथ ही साथ इस कोर्स में, इस रिकॉर्डेड कोर्स में आपको कटिंग एज कॉम्प्लीमेंट्री देखने को मिलेगा, जो करंट अफेयर्स हमारे होते हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो अगर आपको इस कोर्स को अवेल करना है तो आप जरूर हमसे नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। ओके, एंड फाइनली आप सभी लोगों से कहूंगा ऑल द बेस्ट। आई होप आपको सैनिक स्कूल 2025 से सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो हमें आप जरूर हमसे संपर्क करें, ये हमारे नंबर्स हैं। ओके, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम में हमसे जरूर जुड़ें, बिकॉज यू गेट ऑल द इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस इन टेलीग्राम। सारी इंपॉर्टेंट PDFs जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं सब टेलीग्राम में हम डालते हैं। फेसबुक इंस्टा में भी हमसे जरूर जुड़ें, बिकॉज इट्स टू हैंडी, सभी पेरेंट्स फेसबुक इंस्टा आजकल यूज़ करते हैं। अगर आप हमें वहाँ भी फॉलो करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली हमारे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे, तो आप अपडेटेड रहेंगे एग्जाम से रिलेटेड। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें, defenseofficersacademy.in। यू विल गेट वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स PDF फॉर्मेट में आपको मिलते हैं, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स भी मिलते हैं जो आपके डिफेंस के नॉलेज को और ज़्यादा एनहेंस करते हैं, ताकि इंटरव्यूज में लेटर ऑन जिस एग्जाम में इंटरव्यूज हैं आपको इंटरव्यूज में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो ऑल द बेस्ट एट द एंड, बाय बाय, सी यू सून, जय हिंद।